My most sincere greetings to one and all. Today, we'll study a very beautiful story for the students of class 12. The Rat Trap by Selma Lagerlöf. She was a Swedish writer. Her stories have been translated into many languages. और उनकी stories में एक general theme रहती है कि the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. कि अगर हम किसी बुरे इंसान से भी अच्छे से प्यार से व्यवहार करें तो उसमें पॉजिटिव चेंज यानी सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। अब स्टोरी पर आते हैं। द रैट ट्रैप यानी रैट ट्रैप, चूहे पकड़ने के लिए जिस पिंजरे का इस्तेमाल किया जाता है उसे रैट ट्रैप बोलते हैं। लेकिन यहाँ इस शब्द का सिर्फ यही मीनिंग नहीं है, बल्कि इसके मायने इससे कहीं ज़्यादा हैं। कैसे, आइए जानते हैं और चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर एक ऐसे इंसान पर है जो ये रैट ट्रैप बनाने का और फिर उन्हें बेचने का काम करता है, यानी रैट ट्रैप सेलर। लेकिन स्टोरी में हम उसे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड से एड्रेस करते हैं, जैसे एक तो हो गया रैट ट्रैप सेलर, फिर ट्रैम्प, वेगाबॉन्ड, स्ट्रेंजर, पैडलर। इन सब वर्ड्स का मीनिंग देखिए, ट्रैम्प, वेगाबॉन्ड, पैडलर, इन सब वर्ड्स का मीनिंग एक जैसा ही है। दैट मीन्स अ पर्सन who moves from place to place in search of work or home, कि ऐसा इंसान जो जगह जगह घूमता रहता है, या तो work यानी कि किसी काम की तलाश में, या home यानी shelter की तलाश में। तो ये और stranger का मतलब आप जानते ही हैं, अजनबी। तो ये जो rat trap seller है ये सड़कों पर घूमता रहता है अपनी rat traps बेचने के लिए, लेकिन तो भी इसका गुजारा नहीं चलता। हालांकि rat traps बनाता है खुद फिर बेचता है उन्हें, तो भी इसका गुजारा नहीं चल पाता, इसलिए ये छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता है। फैक्ट्रीज के बाहर जो कचरा या स्क्रैप वगैरह फेंक दिया जाता है स्टोर्स के बाहर, तो उसी से वो रैट ट्रैप्स बनाता है। और उसकी एक फिलॉसफी है इस संसार के बारे में कि ये जो संसार है वो जस्ट लाइक एक रैट ट्रैप है, और जो भी इंसान है वो लाइक रैट्स यानी चूहे। अब जैसे मान लीजिए किसी चूहे को पकड़ने के लिए आप पिंजरा लगाते हो, और साथ में उस पिंजरे में चूहे को टेम्प्ट करने के लिए, ललचाने के लिए कुछ खाने की चीज़ जैसे रोटी, बिस्किट या चीज़ वगैरह लगाई जाती है, जिसे इंग्लिश में बेट, BAIT, बेट यानी चारा कहते हैं। तो ठीक इसी तरह से इस संसार जैसे रैट ट्रैप में जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जैसे मनी, रिचेस, गाड़ी, बंगला या कोई भी लक्जरी यानी विलासिता के साधन, तो उसके लालच में फंस जाते हैं। कौन? जी हाँ, इंसान, जस्ट लाइक रैट्स। और फिर जैसे चूहा पिंजरे में बंद चारों ओर घूमता रहता है, कहीं से भी बाहर नहीं निकल पाता, ठीक इसी तरह इंसान भी इस संसार में फंसकर रह जाते हैं। तो ये फिलॉसफी है उस रैट ट्रैप सेलर की। अब ये जो उसकी फिलॉसफी है जिसमें उसने रैट ट्रैप के मेटाफर का यूज़ किया है संसार यानी वर्ल्ड के लिए, दरअसल ये शो करता है कि ही इज़ वेरी पेसिमिस्टिक अबाउट दिस वर्ल्ड अराउंड हिम। वो सोचता है कि जो वर्ल्ड है इट हैड नेवर बीन काइंड टू हिम, ही हैड नो होम नो शेल्टर, तो इसलिए वो जहाँ भी उसे जगह मिलती है वहीं पर ही सो जाता है। तो इसी तरह घूमते घूमते एक दिन ही रीच्ड अ कॉटेज ऑन द रोड साइड। ही नॉक्ड एट द डोर एंड आस्क्ड फॉर अ नाइट्स शेल्टर। द ऑनर ऑफ द कॉटेज वॉज अ लोनली ओल्ड क्रॉफ्टर। बट अब क्रॉफ्टर क्या होता है पहले ये समझाती हूँ मैं आपको, देखिए बताती हूँ क्रॉफ्टर क्या होता है। क्रॉफ्टर एक ऐसा इंसान होता है जो लैंड रेंट पर ले लेता है और फिर उस पर फार्मिंग यानी खेती करता है, ठीक है। तो एक ओल्ड क्रॉफ्टर था, वो उसके घर के बाहर गया और उसने दरवाजे पर नॉक किया। उसे लग रहा था कि शायद वो उसे अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करेगा, लेकिन हुआ क्या, ही वेलकम्ड द पेडलर। उसने उस पेडलर को रात को अपने पास रुकने के लिए शेल्टर दे दिया, साथ ही पेडलर को उसने हॉट पॉरेज यानी दलिया खाने के लिए दिया। ऑल्सो ही गेव हिम टोबैको टू स्मोक। देन दे प्लेड कार्ड्स। द क्रॉफ्टर वॉज जेनरस एज वेल एज ट्रस्टफुल। वो एक बहुत ही जेंटल सा, उदार सा और भला इंसान था, नेक इंसान था। उसने बातों बातों में पेडलर को बताया कि उसके पास एक काऊ है जिसका दूध बेचकर उसने पिछले महीने 30 क्रॉनर्स अर्न किए हैं। क्रॉनर इज द करेंसी ऑफ स्वीडन। अब पेडलर को यकीन नहीं हुआ तो उसने वो 30 क्रॉनर्स अपने पाउच में से निकाल कर दिखाए और फिर उसे पाउच में वापस 30 क्रॉनर्स को डालकर उसे विंडो पर टांग दिया। फिर इसके बाद देखिए क्या हुआ कि सुबह जब पेडलर जगा तब क्रॉफ्टर पहले ही जग चुका था। तो ये देखकर कि घर का मालिक जग गया है, पेडलर को भी देर तक लेटे रहना या सोना अच्छा नहीं लगा। फिर पेडलर जाने लगा,
तो उस समय क्रॉफ्टर ने भी अपने कॉटेज पर ताला लगा दिया और वो भी चला गया। तो दोनों उस घर से चले गए, लेकिन आधे घंटे के बाद पेडलर वापस क्रॉफ्टर के घर के सामने आ गया। ही हैड बीन टेम्पटेड टू स्टील द मनी दैट हंग लाइक अ बेट इन द विंडो फ्रेम। उसने खिड़की तोड़ दी और मनी चोरी कर लिया। अब उसने सोचा कि अगर वो इन 30 क्रॉनर्स को चुरा कर सीधे हाईवे के रास्ते से जाएगा तो सेफ नहीं होगा, उसे कोई पकड़ सकता है। तो ही डिसाइडेड कि वो जंगल के रास्ते से, फॉरेस्ट के रास्ते से जाएगा। तो अब आगे क्या हुआ ध्यान से सुनिए। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड बट कुड नॉट गेट आउट। कि वो चलता गया लेकिन बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। ही मूव्ड इन सर्कल्स। उसे लग रहा था कि वो जैसे गोल गोल एक ही एरिया में बार बार घूमे जा रहा था, जस्ट लाइक भूल भुलैया। ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड। उसे लग रहा था कि जैसे इस फॉरेस्ट के रैट ट्रैप में अब वो फंस चुका है। और वो बेट क्या थी? जी हाँ, वो 30 क्रॉनर्स जो उसने उस ओल्ड क्रॉफ्टर से चुराए थे। ही थॉट हिज एंड वॉज नियर। ही ले डाउन टू डाई। दरअसल सर्दी का मौसम था, इट वॉज द मंथ ऑफ डिसम्बर, क्रिसमस आने ही वाला था। और सुबह से उसने उस सर्दी के मौसम में कुछ भी नहीं खा रखा था और वो लगातार चलता जा रहा था। वो बेहोश होने वाला था, लेकिन तभी वो जैसे ज़मीन पर लेट गया अपनी कमज़ोरी के कारण से। लेकिन जैसे ही वो ज़मीन पर लेटा तो उसे हैमर यानी हथौड़े की थंपिंग की आवाज़ सुनाई दी। उसे पता था कि ये साउंड तो एक आयरन मिल से आ रही है जिसका नाम है रामस्ट्रो आयरन वर्क्स। वो खड़ा हुआ और जिस डायरेक्शन से वो साउंड आ रही थी वो उसी ओर चल पड़ा। उसे आयरन वर्क्स का गेट खुला। वहाँ मास्टर ब्लैकस्मिथ और उसका एक हेल्पर थे। मास्टर ब्लैकस्मिथ ने सर हिलाया, हिलाया मीन्स ही गेव हिम परमिशन टू कम इनसाइड। थोड़ी ही देर में आयरन वर्क्स का जो मालिक था आयरन मास्टर, वो वहाँ राउंड पर आया। उसने पेडलर को देखा तो उसे लगा कि वो उसका एक पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड यानी साथी है। यानी कि पहले जो आयरन मास्टर था और वो जो पेडलर था, उसे लगा ऐसा कि वो उसका फ्रेंड है, वो साथ ही जैसे जॉब करते थे, मिलिट्री में थे। नील सॉलुफ ही सेट, ये तुम्हें क्या हो गया? वो उसका नाम बुलाता है, उसको नाम से एड्रेस करता है नील सॉलुफ कि भाई ये तुम्हें क्या हो गया, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई, तुम्हें रेजिमेंट से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। अब पेडलर को लगा कि आयरन मास्टर उसे कोई और ही समझ रहा है, तो उसने भी हाँ में हाँ मिला दी ये सोचकर कि शायद वो हो सकता है कि उसे एक्वेंटेंस अपना समझ के थोड़े पैसे वैसे देकर उसकी मदद कर देगा। आयरन मास्टर इनवाइटेड हिम फॉर क्रिसमस। तो पेडलर ने पहले तो उसकी हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ जी वही नील सॉलुफ है, जब जबकि वो सच में ही वॉज नॉट नील सॉलुफ, ही वॉज जस्ट अ रेड ट्रैप सेलर। लेकिन जब आयरन मास्टर ने उसे घर चलने के लिए बोला क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, तो उसने मना कर दिया। आयरन मास्टर घर वापस चला गया, लेकिन तभी उसकी डॉटर एडला विलमेंसन वहाँ आई और उसने बहुत ही प्यार से पेडलर को फाइनली कन्विंस कर लिया। रास्ते में उसे उन चुराए हुए 30 क्रॉनर्स की वजह से काफ़ी डर लग रहा था कि वो देखिए एडला विलमेंसन ने उसे इतने प्यार से समझाया कि भी तुम हमारे साथ चलो, हम साथ में मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। उसके जो वे ऑफ टॉकिंग था, वे उसका जो कंपैशन था, काइंड हार्टेडनेस थी, वो इतनी ज़्यादा अपीलिंग थी कि जो ये रेड ट्रैप सेलर है ये तुरंत कन्विंस हो गया उसके साथ घर जाने के लिए। लेकिन जाते जाते रास्ते में वो जो 30 क्रॉनर्स थे उससे उसको काफ़ी डर लग रहा था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। तो फाइनली वो लोग घर पहुंच गए। अब ये जो एडला विलमेंसन है ये एक स्मार्ट लेडी है। उसे लगता है कि ये इंसान जिसे उसके फादर कैप्टन समझ रहे हैं, वो तो कैप्टन की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा। वो अपने फादर से भी ये बात बोलती है, लेकिन उसके फादर यानी आयरन मास्टर कहते हैं कि ये तो ना गरीबी की वजह से ऐसा लग रहा है, तुम्हें इसकी हालत ख़राब है कि काफ़ी टाइम से बेचारा ऐसे ही घूम रहा है, वो जब नहा धोकर तैयार हो जाएगा तब देखना। लेकिन जब सर्वेंट ने पेडलर के बाल काटे, ही शेव्ड हिम ऑल्सो, तो नहा धोकर उसकी अच्छे से ग्रूमिंग हो गई और आयरन मास्टर का दिया हुआ सूट पहनकर जब वो आयरन मास्टर के सामने आया तो आयरन मास्टर ने रियलाइज किया कि उससे पहचानने में बहुत भारी गलती हुई है। उसे लगा कि पेडलर ने उसे धोखा दिया है। ही वॉन्टेड टू कॉल द पुलिस। तो पेडलर ने कहा कि वो अपने आप तो वहाँ आया नहीं और अभी कुछ नहीं बिगड़ा, वो लोग जबरदस्ती उसे यहाँ लेकर आए हैं, पुलिस को बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। पेडलर सेज कि आप अपना ये सूट रख लीजिए, मैंने अभी आपसे कुछ भी नहीं लिया है और मैं यहाँ से चुपचाप चला जाता हूँ। अब एक और इंटरेस्टिंग बात रेड ट्रैप सेलर बोलता है,
फिर उसने आयरन मास्टर को अपनी वर्ल्ड के रैट ट्रैप होने की फिलॉसफी सुना दी और बोला कि मिस्टर आयरन मास्टर, ये वर्ल्ड जो है ये बिल्कुल एक रैट ट्रैप की तरह से है, और आज आपने मुझे अपने घर बुलाकर बेट यानी चारा डालने का काम किया है और मैं चूहे की तरह से इसमें फंस गया हूँ। एक दिन आप देखना ऐसा आएगा कि आप भी इस संसार के रैट ट्रैप में किसी बेट से ललचाकर फंस जाओगे। आयरन मास्टर को पहले तो उसकी बात सुनकर हंसी आती है और फिर आयरन मास्टर अपनी डॉटर की इस बात फिर लेकिन वो फिर भी जो है उसे कहते हैं कि तुम अभी यहाँ से तुरंत चले जाओ। ही टेल्स हिम टू लीव एट वंस बट एडला डिड नॉट लाइक हर फादर्स आस्किंग पुअर पेडलर टू लीव। उसे लगा कि उन्होंने उसे इन्वाइट किया है तो इट विल नॉट बी फेयर टू आस्क हिम टू लीव। शी वॉन्टेड टू हैव द जॉय ऑफ एंटरटेनिंग अ होमलेस वेंडर। वो चाहती थी कि ये जो बेघर बेचारा ऐसे घूमता रहता है पूरा साल, इसके साथ एक बार क्रिसमस सेलिब्रेट किए करें, और वैसे भी क्रिसमस ईव का टाइम था, उनके लिए एक ऑस्पिशियस ओकेजन था। उसने पेडलर को रोक लिया तो रेट्रैप सेलर एडला के इतने अच्छे ढंग से उसके किए बिहेवियर से इतना इम्प्रेस हुआ, इतना खुश हुआ, क्योंकि आज तक उससे किसी ने भी इतना अच्छे से बिहेवियर नहीं किया था। अब आयरन मास्टर अपनी डॉटर की इस बात से खुश नहीं था कि वो क्यों रेट्रैप सेलर को जाने नहीं दे रही। ही सेड कि तुम इसे रोक कर ठीक नहीं कर रही, देखना तुम अपने इस फैसले पर बाद में पछताओगी। लेकिन फिर भी वो अपने डॉटर के कहने से कन्विंस हो गया। एडला ने पेडलर को बहुत अच्छे ढंग से ट्रीट किया, उसने उसे क्रिसमस पर खाना खिलाया, मिठाइयाँ खिलाई, और उससे कहा कि उसने जो फादर का ये सूट पहना हुआ है ये उसका क्रिसमस प्रेजेंट है। इनफैक्ट उसने उसे ये भी कहा कि अगर वो चाहे तो नेक्स्ट क्रिसमस पर भी उनके पास आ सकता है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। पेडलर भी वहाँ बहुत ही पीसफुली रहा। वो बहुत हैरान था कि भी कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, उसे इतने अच्छे ढंग से बिहेवियर कैसे कर सकता है, जबकि वो तो उसे जानता भी नहीं। वो वहाँ पे आराम से बस खाता रहा और चैन से सो जाता। शायद इतना पीसफुली और इतना साउंडली वो अपनी लाइफ में पूरे जीवन में कभी भी नहीं सोया था जितना अच्छे से और शांति से वो वहाँ पर रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है सुनिए। आयरन मास्टर और उसकी डॉटर चर्च गए। चर्च में उनकी कुछ सेरेमनीज होती हैं नेक्स्ट डे, तो वो उन्हें परफॉर्म करने के लिए गए थे। वहाँ उन्हें ये पता चला, मीन्स एक बात चल रही थी, बात फैली हुई थी वहाँ पे, कि वो जो रेड ट्रैप सेलर है वो एक थीफ है, उसने एक क्राफ्टर को लूटा है। अब तो आयरन मास्टर को लग रहा था कि पेडलर ने पक्का उनके घर भी चोरी कर ली होगी और उनके जो चांदी की चमचे हैं उन पर हाथ साफ कर लिया होगा। एडला को भी बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन जब वो घर पहुंचे तो उन्हें सर्वेंट से पता चला कि वो कुछ लेकर नहीं बल्कि कुछ ना कुछ देकर गया है। ही हैड लेफ्ट अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर एडला। एडला ने जब वो गिफ्ट ओपन किया तो वो एक छोटा सा पिंजरा रैट ट्रैप था, और उस रैट ट्रैप में क्राफ्टर के चुराए हुए 30 क्रोनर्स और साथ में एक लेटर रखा हुआ था। द लेटर वॉज एड्रेस टू एडला। ही थैंक्ड हर फॉर अ काइंडनेस। वो उसकी उदारता से, उसकी काइंड हार्टेडनेस से, उसके इतने अच्छे व्यवहार से इतना इम्प्रेस हुआ था कि उसमें एक पॉजिटिव चेंज आ गया था। जैसे कि मैंने आपको स्टोरी की थीम के बारे में ही बताया था कि एसेंशियल गुडनेस है दैट कैन बी अवेकन्ड, इसलिए उसने क्राफ्टर के चुराए हुए 30 क्रोनर्स एडला को रिटर्न कर दिए और उससे रिक्वेस्ट की कि वो उसे वो मनी वापस पहुँचा दे। ही सेड ही हैड बीन रेस्ड टू कैप्टन, दैट वॉज वाई ही कुड कम आउट ऑफ द रैट ट्रैप ही हैड बीन कॉट। कि वो एक रैट ट्रैप की तरह से, एक चूहे की तरह से इसमें फंस जाता, इस संसार में इन सब लालचों में फंस जाता अगर उसे एक कैप्टन की तरह से ट्रीट नहीं किया जाता। जैसे कि एडला ने पेडलर से ऐसे बिहेव किया था कि जैसे वो कोई कैप्टन हो, तो अब वो भी बदले में एडला से एक कैप्टन की तरह से बिहेव कर रहा है। एंड ही साइंड द लेटर एज कैप्टन वॉन स्टिल, और उसने लेटर के नीचे अपना नाम कैप्टन वॉन स्टिल ही लिखा। देखा आपने किस तरह से कंपैशन, लव, सिंपथी, काइंड हार्टेडनेस, गुड बिहेवियर, हॉस्पिटैलिटी, इन सब फीलिंग से इंसान की जो बेसिक गुडनेस है उसे वापस लाया जा सकता है। तो ये तो थे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ के साथ देख लेते हैं। इस चैप्टर से बेसिकली थीम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है थीम बेस्ड, वो ये है कि व्हाट मेड द पेडलर
फाइनली चेंज हिज वेज कि ऐसी क्या बात हुई थी स्टोरी में कि जो पैडलर था उसने अपना जो व्यवहार था अपने तरीके थे उनको बदल लिया. ओके तो आप इजीली बता सकते हो कि हर इंसान में बेसिक गुडनेस होती है चाहे वो कितना भी बुरा हो, रेड ट्रैप सेलर की तरह. लेकिन जैसे कि एडला विल्मेंसन ने उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया, बहुत ही काइंड, लविंग और केयरिंग नेचर दिखाया, जस्ट लाइक अ कैप्टन शी ट्रीटेड हिम. तो बदले में रेड ट्रैप सेलर ने भी उसे क्रिसमस के मौके पर उसके अच्छे व्यवहार के बदले में कोई डिजेक्शन नहीं दिया, डिप्रेस नहीं किया, बल्कि एक एस्टीम्ड और डिग्निफाइड जेस्चर से ट्रीट किया, उसे गिफ्ट भी दिया और थैंक्स कहा. साथ में जस्ट लाइक अ रियल कैप्टन ही बिहेव्ड फाइनली. अब जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो कैरेक्टर स्केचेस पर बेस्ड हैं, तो हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं. जैसे सबसे पहले ओल्ड क्रॉफ्टर का कैरेक्टर स्केच आप देखिए, मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. द ओल्ड क्रॉफ्टर इज एन ओल्ड मैन हु लेट्स द पेडलर स्पेंड द नाइट एट हिज हाउस. He was lonely and glad to have company. He provides the peddler with food, tobacco and conversation. He used to be a crofter, someone who rents and works a small farm at Ramstow Ironworks. Now, survives by selling the milk from his extraordinary cow. The old crofter is kind and generous. The peddler repays his generosity by stealing 30 kroners from him after the crofter shows him where he keeps the money. तो बहुत ही नेक सज्जन इंसान था, जेंटल था, ठीक है, अपनी कॉन्फिडेंसेस, अपनी सारी कॉन्फिडेंशियल बातें उसने पेडलर से शेयर की, लेकिन पेडलर ने उसे बदले में क्या दिया? Yes, he stole the money from him. अब नेक्स्ट जो कैरेक्टर स्केच है वो है आयरन मास्टर का. No doubt, he was rich. He was the owner of a large iron factory named Ramstow Ironworks. His greatest ambition was to ship out good iron to the market. He was kind-hearted and friendly. He was in the military in his younger days. He was not very observant, not a good judge of character. When he mistakes the rat trap seller as his old friend, he tried to help him. कि उसे इंसान की ज़्यादा अच्छे से पहचान नहीं थी. He did not insult him because of his worn-out condition. लेकिन अंदर से दिल से वो अच्छा था क्योंकि उसने उसकी गरीबी की वजह से उसका मजाक नहीं उड़ाया. He took him to his own house and cared for him. When he realized his mistake, he was angry with the poor man, wanted to throw him out of his house. Nevertheless, on his daughter's request, he behaved nicely with him. Now, Rat Trap Peddler. Obviously, he was a poor vagabond, wearing shabby rag clothes. He sold rat traps to earn a very meagre livelihood. At times, he resorted to petty thievery. He considered the entire world as a big rat trap and all men and women as rats, vulnerable to be trapped by various types of baits. He philosophizes people's existence in the rat trap. He himself got trapped in this rat trap when he stole 30 kroners of the old crofter. There was some goodness left in him that was brought to surface by kind Edla Wilmenson. At the end, he transformed himself and returned the stolen money to the crofter through Edla and gives back what he gets. उसने कैप्टन की तरह से बिहेव किया था, तो बदले में पैडलर भी रियल कैप्टन की तरह से बिहेव करता है एंड फाइनली ही चेंजेस हिज वेज. नाउ फाइनली वी हैव द कैरेक्टर स्केच ऑफ एडला विल्मेंसन. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. So she was not at all pretty, but modest and quite shy. She was exceptionally kind, wise and perceptive. She was observant, great judge of human character. हालांकि उसके father जैसे iron mill में जैसे जो आग जल रही थी furnace की, केवल उसी के reflection में देखकर बोल देते हैं कि हाँ ये जो rat trap seller है ये तो Neil Solof है. लेकिन Edla Wilmenson उस इंसान के behavior से बोलती है, को देखकर बोलती है कि ये तो कोई captain जैसा नहीं लग रहा. तो she displays maturity and grace. She is kind, gentle and hospitable. Despite her knowledge about the peddler's intention, she treats him with respect and feeds him well. She feels it was unethical to send a guest away as he had been promised Christmas cheer. He was able to rise to the level of captain, leaving his temptations aside just because he did not want to let her as well as himself down. She is able to awaken goodness in the peddler's heart by showing understanding and love. Her kindness and caring nature transformed the unscrupulous vagabond into a good human being. She is the most positive figure in the story, and that's why her character sketch is important, and her compassion and generosity are the reason for the peddler's transformation. So, with this, we end our discussion of the story, The Rat Trap by Selma Lagerlöf. Please like my video, share it with your friends and subscribe to my channel for more such informative videos. A very big thanks to you. Thank you so much.